हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फॉन्ट साइज के बारे में और फॉन्ट के कलर के बारे में कि एचटीएमएल पर हम कैसे फॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हैं और फॉन्ट पे कलर लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल का नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे HTML। HTML में दो प्रकार के टैग पाए जाते हैं। पहला एक एम्प्टी टैग होता है और दूसरा एक कंटेनर टैग होता है। मैं दोनों आपको दिखाऊंगा और इसके साथ साथ हम मार्की टैग का भी यूज़ करके देखेंगे। इसमें पहले साइज़ की बात कर लेते हैं। तो HTML के बाद हेड लगाया हमने और हेड के बाद हम लगाएंगे टाइटल। यहाँ पे टाइटल दे देंगे जो भी हमारा टाइटल हो। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ फॉन्ट साइज, ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं। और इसके बाद जब नीचे आएंगे तो हेड को क्लोज करेंगे। हेड में आप हेड दे सकते हैं जो आपको ठीक लगे। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ बॉडी टैग लगाएंगे। बॉडी टैग एक कंटेनर टैग होता है। अब तक आपने कंटेनर टैग ही देखे हैं, अभी तक आपने एम्प्टी टैग नहीं देखा है। ठीक है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर कलर देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं देता हूँ ग्रीन, GREEN। ठीक है, आप यहाँ पे कोड भी दे सकते हैं अगर आपको कोड मालूम हो तो। ठीक है, अब नीचे आएंगे और यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, यहीं पर हमें लगाना है पैराग्राफ स्टाइल टैग। पैराग्राफ स्टाइल इज इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे साइज की बात करें तो यहाँ फॉन्ट साइज दे देता हूँ मैं, फॉन्ट साइज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फॉन्ट साइज कोलन लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे मैं देखिए मैं छोटा छोटा करता हूँ, पहले 30 करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे कैसे हो रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर, या फिर इतना ही रहने देता हूँ और इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब जब नीचे आते हैं तो देखिए पैराग्राफ स्टाइल, ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक पकड़िए और कॉपी कर जाइए पूरा। ये कॉपी हो गया, अब नीचे आइए, एंटर करिए और यहाँ पे कंट्रोल भी, फिर एंटर करिए, कंट्रोल भी, फिर एंटर करिए, कंट्रोल भी, फिर एंटर करिए, कंट्रोल भी, बस इतना ही आपको करना है। और यहाँ पे साइज़ बढ़ाती जानी है, जैसे यहाँ पे 50 कर देता हूँ मैं, यहाँ पे कर देता हूँ 80, यहाँ पे कर देता हूँ 100 यानी 100, यहाँ पे कर देता हूँ 120 यानी 120। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हमें नीचे भी क्लोज करना होगा तो उसको भी क्लोज कर लेते हैं, बॉडी टैग को और किसको, HTML को। ये सारे कंटेनर टैग हैं जो टैग खुलने के बाद बंद भी होते हैं, जैसे कि HTML हो रहा है ये लास्ट में, यहाँ आप देख सकते हैं ये HTML है या बॉडी टैग है या पैराग्राफ स्टाइल टैग है, तो यहाँ पैराग्राफ टैग को भी क्लोज किया गया है, तो ये सारे कंटेनर हैं। अच्छा, कंटेनर कौन नहीं होगा तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये BR टैग है, ये कंटेनर टैग नहीं है, ये एम्प्टी टैग है या इसे सिंगुलर टैग भी बोला जाता है। अब यहाँ पे दो बार मैंने BR लगा दिया, मैंने इसे क्लोज नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसको सेव करता हूँ मैं, देखिए 77.html के नाम से सेव करूंगा मैं। ठीक है, अब ये सेव हो चुका है, अब इसको रन करवाने की बारी है, तो चलिए रन करवा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने साइज चुनी थी पहले, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैंने चुना था 30, तो ये 30 की साइज है, फिर यहाँ पे चुना उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो देखिए ये साइज जो है इस तरह से करके हम बड़ा कर सकते हैं, और बहुत बड़ी साइज चाहिए तो ये स्टाइल हम लगा सकते हैं तो आपकी साइज बड़ी हो जाएगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कलर की, कि कलर कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कलर की बात करते हैं। हमें यहाँ लिखना है, ये मैं हटा देता हूँ, इसमें दोनों एक साथ देना थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कलर। ठीक है, कलर, और जो भी कलर आपको देना हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए ग्रीन देना चाहते हैं,
या ग्रीन दे दीजिए। अब ग्रीन तो शो करेगा नहीं, उस पर वाइट दे देता हूँ मैं, WHITE, क्योंकि बैकग्राउंड हमने ग्रीन ले रखा है, ठीक है। और यहाँ पे फॉन्ट साइज यहाँ पे फिर हटाना होगा, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं रेड, ठीक है। यहाँ पे अब इसको ऐसे छोड़ देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, पहले देख लेते हैं कि हमारा काम हुआ या नहीं। तो इसको यहाँ से ओके करिए और यहाँ देख सकते हैं यहाँ रेड तो नहीं हुआ लेकिन यहाँ वाइट हो गया है। आइए देखते हैं रेड क्यों नहीं हुआ। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली रेड लगा दिया गया। यहाँ पे लिखना है कलर और ये कोलन लगाइए, अब ये हो जाएगा रेड। यहाँ कलर से स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद यहाँ रन करवाइए, तो देखिए ये रेड में आ रहा है और ये वाइट में आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि हम फॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज कैसे करें और दोनों एक साथ कैसे लगा सकते हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो ये पहला वाला मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो हमने लगाया। और अच्छा एक चीज़ और देखिए, BR टैग का क्या यूज़ है, यहाँ पे देख लीजिए आप। ये देखिए बीच के गैप्स देखिए आप, ये दोनों के बीच के गैप्स देख रहे हैं, ये BR टैग के चलते हुआ है। अगर मैं एक ब्रेक टैग हटा देता हूँ देखिए, तो ये स्पेस कम हो जाएगा, ये देख रहे हैं ये स्पेस अभी कम हो जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ और ये देखिए ये स्पेस हो जाएगा कम, देखिए स्पेस थोड़ा कम हो गया। अब एक और जो मैंने लगाया उसको भी हटा देता हूँ और फिर देखिए फिर स्पेस और कम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो आप देख सकते हैं इस इन दोनों के बीच का स्पेस और भी कम हो गया, तो ये BR टैग का यूज़ है। अब चलिए बात कर लेते हैं फॉन्ट वाले टैग की, जो हमें समझना है, जिसको हमें देखना है कि किस प्रकार से हम उसका यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ इसी में आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमें इसमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें पैराग्राफ स्टाइल एक तो मैंने हटा दिया, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लगाएंगे हम फॉन्ट इसको यहां से लगाइए आप, फॉन्ट कलर ठीक है इज इक्वल टू ग्रीन, या ग्रीन नहीं बल्कि हम क्या देते हैं ब्राउन, BROWN ठीक है। और ये यहाँ पे एक चीज़ और दे सकते हैं, साइज इज इक्वल टू 80 ठीक है, ये दे दिया हमने। अब यहाँ पे कुछ लिखता हूँ मैं, प्लीज लाइक ये मैं लिख दिया, ठीक है। अब इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ से क्लोज करूंगा तो यहाँ फॉन्ट टैग क्लोज हो जाएगा, F20 फॉन्ट ठीक है। और यहाँ पे इसको सेव कीजिए आप, तो आप देखिए प्लीज लाइक जो है बड़े अक्षरों में लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं। और इसका कलर भी रेड है, आप इसके कलर को यहाँ से बदल भी सकते हैं, मैं आपको बदल के दिखाता हूँ। जैसे ये ब्राउन दिया है मैंने, इसको मैं कर देता हूँ वाइट, WHITE ठीक है, तो ये मैंने वाइट कर दिया। अब इसको सेव करिए, यहाँ से सेव करेंगे जैसे ही, और इसको रन करवाइएगा तो ये देखिए ये हो गया रन और ये देखिए ये वाइट कलर में बदल गया। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आपको। और अब चलिए मार्क्यू टैग की बात कर लेते हैं हम, इन पर हम लगाएंगे मार्क्यू टैग ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना। अगर हम यहाँ पे मार्क्यू देते हैं तो क्या होगा, MARQUEE मार्क्यू दे दिया हमने ठीक है, और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। मार्क्यू टैग भी एक पेयर्ड टैग होता है, यानी कि कंटेनर टैग होता है, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से ठीक है। ये मैंने कर दिया क्लोज और यहाँ पे कर दिया इसको बंद, और अब इसको हम क्या करते हैं सेव करते हैं और रन करवाते हैं, देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। ये देखिए ये प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल जो आ रहा था ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ये इसका कलर जो है वाइट हो गया है
और वाइट तो था ही, और ये जो है अब मूव कर रहा है। टेक्स्ट आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मूव कर रहा है, तो ये इसमें है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ साथ जैसे ये प्लीज़ लाइक लिखा हुआ है ये भी मूव करे और ये उल्टी दिशा में मूव करे, तो यहाँ लगा दीजिए आप मार्क्यू, मार्क्यू लगा दिया, यहाँ लिखिए डायरेक्शन डी आई आर ई मार्क्यू डायरेक्शन इज इक्वल टू, या ऐसे लिख दीजिए आप डायरेक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू, या ऐसा करिए ये दे दीजिए राइट आर आई जी एस टी, ठीक है, यहाँ इज इक्वल टू का निशान बनाइए, ठीक है, और इसको कर दीजिए क्लोज, बस देखते हैं चलता है या नहीं। इसको पहले यहाँ से क्लोज कीजिए, देन यहाँ पर मार्क्यू को क्लोज कीजिए, मार्क्यू क्लोज हो गया हमारा, ये देखिए यहाँ पे इसको हटा दीजिए, ये हो गया क्लोज। अब इसको सेव करते हैं और रन करवाते हैं। अब ये देखिए ये स्टाइल देख रहे हैं कैसी है स्टाइल, ये देखिए अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए ये कितनी, अब ये तो मूव कर रहा है और ये देखिए ये राइट की तरफ लिखता हुआ सा आ रहा है, ये देखिए ये देख रहे हैं, ये देखिए। अगर इस तरह के वीडियोस आपको देखने हो तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आएगी आपको, और पसंद आए तो कमेंट करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।